कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करही सो तसी फल चाखा। लेकिन इसके विपरीत भाग्यम फलती सर्वत्र, न च विद्या न च पुरुषम। तो जो अतीत में बीत चुका उसका दुख, जो वर्तमान में चल रहा है उसे अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा, और जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है उसे जानने की इच्छा चिरकाल से मानव के मन में रही है और रहेगी। आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि वर्ष 2021 का जनवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए कितना शुभ रहेगा और कितना अशुभ। 1 से 7 तारीख का समय अनुकूल रहेगा, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मनोवांछित कार्य पूर्ण होने से मन में प्रसन्नता रहेगी, व्यापार में उन्नति के आसार दिखाई देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 8, 9 व 10 तारीख का समय सामान्य रहेगा, अपने विवेक व मेहनत से सभी कार्य पूर्ण करेंगे, अगर सोच समझकर कार्य नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है। 11, 12 व 13 तारीख को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, किसी से वाद विवाद न करें वरना मुसीबत में फंस जाएंगे, शत्रु हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 14 से 19 तारीख का समय लाभकारी रहेगा, हिम्मत व हौसला बरकरार रहेगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, यात्रा लाभकारी साबित होगी, परिश्रम का भरपूर परिणाम मिलेगा। 20, 21, 22 तारीख को अचानक कोई टेंशन आ सकती है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। 23 से 29 तारीख का समय बहुत ही लाभकारी परिणाम देने वाला है, अचानक कहीं से धन लाभ होगा, मनचाही नौकरी मिल सकती है, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ने से खुशी मिलेगी, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। 30 व 31 तारीख को सावधान रहें, समय टेंशन देने वाला है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। तो आपका वर्ष 2021 का ये प्रथम मास जनवरी मंगलमय व कल्याणकारी हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। मासिक राशिफल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।